पेंशन एंट्री के नाम पर घूस की रकम लेते कोषागार कर्मी का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कर्मी किस प्रकार घूस की मांग करते हैं और घूस देने के बाद ही वह एक सेवानिवृत्त कर्मी के पेंशन के भुगतान संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हें दुरुस्त करते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन झारखंड के चास बोकारो से वर्ष 2018 के 31 दिसंबर को गृह विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुए सरयू ओझा बक्सर कोषागार में अपने पेंशन की एंट्री के लिए महीनों चक्कर लगाते थक गए थे। इसी बीच दलालों के अड्डा बन चुके कोषागार में कार्यरत कर्मी रत्नेश कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मी से अपने चैंबर में ही घूस की रकम की मांग कर दी। उनकी यह मांग वहां खड़े एक अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई। आखिर कब तक सुधरेंगे बक्सर के कर्मचारी, आए दिन कर रहे हैं रिश्वत की मांग। इस पर जब बक्सर के डीएम अमन समीर से बात की गई तो आइए देखें उन्होंने क्या कहा। बताइए। नमस्कार सर, मैं टाइम पैक न्यूज से संजना बात कर रही हूँ। किन से बात करनी है आपको? सर मुझे डीएम सर से बात करनी है। हाँ बताइए क्या है। जी सर, हमें जाना था, ये जो कोषागार नगर में जो वीडियो वायरल हुआ है पेंशन एंट्री के नाम पे जो घूस लेते पकड़े गए हैं, तो इससे इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर एडीएम है, उनको बोला गया जांच करने के लिए 24 घंटे के अंदर। जी 24 एडीएम को जांच करने के लिए बोला गया है, 24 घंटे के अंदर वो जांच रिपोर्ट देंगे। जी जी। इसमें थोड़ी सी भी सत्यता होगी तो उस पर कर्मी पे कार्रवाई की जाएगी। ले आई अभी रहुआ के अपियर करा ले तनी। ठीक एक हला यही तेन कहले रही की लड़कवा के भेज दी तो रहुआ अपने चल आई। एक चार बीस तू पंद्रह महीना छोड़ दे तनी, कटौती नहीं की कर हमर हर हिसाब हो जी नू। जैसे 18 महीना आई बा ना। हाँ,